समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है, सफा हो रही है पूरे प्रदेश से। 2024 के चुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी एक इटली जाएंगे, एक लंदन जाएंगे। आप विश्वास रखना, भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है, इसलिए मैं पूरे दावे से कहता हूँ 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। मैं श्री हरीश द्विवेदी जी की दिल से इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि इनके जैसा अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करने वाला सांसद बड़े भाग्य से मिलता है। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी है, अब प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 400 का नारा दे रहे, 150 सीटें नहीं पाएंगे। 2014 से जितने नारे उन्होंने दिए वो सब खोखले निकले हैं, फर्जी निकले हैं, गुमराह करने वाले निकले हैं। 2024 में आप विश्वास रखिए, श्री राहुल गांधी जी रायबरेली से भी हार रहे हैं, अमेठी से डर के भागे। विपक्ष ये भी हमला करती है कि इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, ये दुष्प्रचार है, अफवाह है। मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब संसद भवन में प्रवेश किए, किसी जैसे भगवान के मंदिर में कोई प्रवेश करता है तो पहले माथा टेकता है, उन्होंने संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर मान करके पहले शीश झुकाया, अपना देहरी पर सर रखा, तब अंदर प्रवेश किए। उन्होंने लोकतंत्र का मंदिर माना, संविधान को अपना सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना। मोदी जी जैसा लोकतंत्र का पुजारी, संविधान का पुजारी, ये बड़े भाग्य से देश को मिला है। यह दुष्प्रचार करके अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। गरीब आदमी जानता है कि गरीब को लूटा किसने है और गरीब की सेवा किसने की है। अरविंद केजरीवाल सर जेल से छूटने के बाद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को 2 महीने बाद हटा दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी को। 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने की तैयारी करें, उनकी बातों को गंभीरता से मत लीजिए। वो बाहर आए हैं, उल जुलूल बक रहे हैं, उनको मालूम है कि इतना शराब पिए हैं घोटाले की, वो शराब उनको परेशान कर। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या या विधायक है भाजपा का? वो सपा कांग्रेस वालों को भाजपा की चिंता कब से होने लगी? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गुंडे बिल में घुस गए हैं, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, पूरा प्रदेश आज देश में जिस प्रकार से अपनी पहचान बनाया है वह योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2024 के बीच में आपने देखा है। अन्यथा सपा की सरकार का मतलब जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा, ये समाजवादी पार्टी अपराधियों माफियाओं को पैदा करने की फैक्ट्री और कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री। पाकिस्तान राहुल गांधी जी का प्रशंसक है और मोदी जी का विरोधी है, और यह जिहाद के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर ओबीसी का आरक्षण छीन करके केवल वोट बैंक तैयार करने का जो पाप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, यही ओबीसी इनको सत्ता में बैठाया था, यही दलित, यही आदिवासी इनको देश में सरकार में आने का मौका दिया था, यही इनको सदा के लिए विदा कर देगा। अडानी को लेकर विपक्ष हमेशा आपको आप चिंता मत करिए, इस देश या देश ईमानदारी से